हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर बिजनेस के व्लॉग। शहर मोती होने वाली बंदे को फर्स्ट बेटा आ रही है वॉरियर राजा डीसी की साइड से। राजा डीसी के व्लॉग में गाइस एक केटीएम वाले लड़के स्कूटी वाली लड़की को ठोक दिया है, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। खाना पीना तो मैं इस बाइक को देख के ना भूल गया हूं यार, सच बोलूं तो। ओ तेरी दी, रुको 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 रुको, उसकी लात की, उसकी लात की, उसकी लात फंसी हुई है। तेरी दी, रुको 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 भाई। यार तुम लोग कैसे चलाते हो? हम हमने कैसे चलाया? गलती आपकी है। आप तुम लोगों ने मार दिया मेरे को। आ कौन रहा था उधर से? बाइक वाले, हमेशा बाइक वाले की गलती होती है। हम खड़े हुए आप, हमारे पूरे रिकॉर्ड आपने एकदम से बढ़ाई है। क्या एकदम से बढ़ाई है? तो भाई अगर गलती है आपके तो वो ध्यान वो कैसे रखेगा? मुझे ये चीज समझ आती है, राजा डीसी ब्लॉग में यार कोई लड़की की ठुक दिया, हर क्रैश में एक लड़की ने लड़की होगी होगी, आपको जरूर बना यार लड़कियों को ये राजा डीसी टक्कर क्यों मारता है। नेक्स्ट बेटा ये वॉरियर एलवी यादव की साइड से, एलवी यादव ने पुनीत सुपरस्टार के ऊपर रिएक्ट किया, पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाल दिया गया, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। भाई एक चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, मतलब वो कि भाई पुनीत, मतलब मैंने खोल दिया इंस्टाग्राम, पुनीत लॉर्ड पुनीत पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस में गया, सुपरस्टार उसमें दबार काट दिया वो, फिर उसके मीम बन रहे हैं। तो पता नहीं भाई क्या सीन चल रहा है, देखो बिग बॉस का तो मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं वाला, बट जितना मेरे समझ में आया वो ये था कि वो बिग बॉस के घर में गया, दूसरी बार कही उसके बाद वो उसने कही कि ना मेरी वजह तुम्हारी टीआरपी आ रही है और तुम्हें मेरी जरूरत है मुझे तुम्हारी नहीं है, तो उसको बिग बॉस ने बाहर निकाल दिया, उसे अलग हाइप मिल गई, उसे अलग टीआरपी, उनको अलग टीआरपी मिल गई, उसे अलग हाइप मिल गई, ये सारी चीजें हैं। तो भाई मेरे से लोग कह रहे हैं, मैं स्ट्रीम पे बैठा कर भाई इस पर कमेंट करो कुछ, मैंने कि इस पे कैसा कमेंट करूं। गाइस यार आज मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और मैंने सोचा मैं रील देख लूं, आगे पुनीत सुपरस्टार की रील आई, क्या कर रहा है, रूफ साहब अपने पर गिरा रहा है। थोड़ी पति शर्म होती है बंदे को, थोड़ी पति दिक्कत है तो बता दे। खलता बड़ा बोलता मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, बिग बॉस में जा रहा हूँ, खलता नींद तेरी यही है, बड़े शर्म डोल रहा है अपने पर। यहाँ मैं दो बाटी भेजा मैं पीऊँ, इतनी घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लगती है मेरे को त्रेन लगती है मेरे को बड़ी। इधर मैंने अभी हाथ लगाए इन प्रू प्रू पहले शुरू कर दिया इस बेशर्म ने, बड़ा बिग बॉस में जाऊंगा, बिग बॉस में जाऊंगा, एक त्रप्पड़ लगाना मेरे से। जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो भी एलवी यादव की साइड से आ रही है, आपको पता होगा काफी बंदे एलवी यादव को बोल रहे थे कि आप पायल गेमिंग के साथ लाइव स्ट्रीम करो, इसी बात पे एलवी यादव ने कोई रिएक्ट किया, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। पायल गेमिंग के साथ, अरे ठीक है ना यार, तुम्हें पता है एक चीज बार बार बोलने से ना आदमी का दिमाग में दर्द होता, पता तुम्हें वाली बात। भाई यार पायल गेमिंग मचा रखे, नहीं खेलना मेरे को भाई, नहीं आता मेरे को मजा लड़कियों के साथ खेलने में, हम लड़के लड़के में मजा आता मुझे। ये चीज समझ ली यार, सारे एलवी यादव को पायल गेमिंग के साथ ही गेम क्यों खिलाना चाहते हैं, मैं तो पता चल गया, बाकी आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना। जो नेक्स्ट बेटा रही है वो रही इश्तियाक जी की साइड से, इश्तियाक जी ने बताया कि अगर कोई बंदा मेरे से गाना करवाना चाहता, सिंग मास्टरिंग करवाना चाहता, तो इश्तियाक जी ने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपना नंबर दिया, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? तो बहुत टाइम से सब लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आपका नंबर चाहिए, हमें गाना करवाना है, तो भाई मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे कॉल या मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हो कि आपको गाना करवाना है, म्यूजिक करवाना है, मिक्सिंग मास्टरिंग या फिर सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, लाइक स्पॉटिफाई सब जगह, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको सब डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है प्रो राइडर के पापा की साइड से, यार प्रो राइडर के पापा जहाँ पे पंजा लड़ाने के लिए गए थे गाइस, वहाँ पे प्रो राइडर के बहुत अच्छे खासे फैन मिल गए, सो गाइस यार इसी बात पे उन्होंने प्रो राइडर के नारे लगाए, सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। जगह देते आगे से छोड़ दो, जगह छोड़ दो, विश्वास कर लिया था। अमीर ने बताया यार कभी किसी का विश्वास करके कहीं भी जाना नहीं चाहिए, माँ बाप के अलावा कोई भी आपके साथ सगा नहीं होता। आप क्लिप ही देख लो। मैं फिफ्थ टाइम लद्दाख कर रहा हूँ, एक है ना काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, फर्स्ट टाइम है ना भाई बहुत ज्यादा डरा था यार, मैं तो बहुत छोटा था, लोगों की समझ नहीं थी, परख नहीं थी, कुछ नहीं था यार, हर एक बंदा तुम्हें पता है जब बंदा छोटा था ना हर एक पे ट्रस्ट कर लेता है बंदा बहुत जल्दी, बात पे भरोसा कर लेता है,
मैं मेरी बहनों को भी यही बोलूंगा, मेरे भाइयों को भी यही बोलूंगा, हमारा ग्रोइंग स्टेज है, अपने माँ बाप के सिवा किसी पे भी भरोसा नहीं करना, चाहे वो कुछ भी करे आपके लिए, कहीं ना कहीं कोई मतलब जुड़ा हुआ है तभी वो आपके साथ लगा हुआ है। यार इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस यार आज देखते हैं कि UKG07 राइट की फैमिली में सबसे ज्यादा पावर है या आमिर भाई की फैमिली में सबसे ज्यादा पावर है। तेरे को लगता है किसकी पावर ज्यादा है? आमिर भाई की पावर ज्यादा है। जो नेक्स्ट चैप्टर आ रही है वो आ रही है आलम ब्लॉग, आलम ब्लॉग, आलम ब्लॉग की साइड से। यार आमिर भाई ने आलम ब्लॉग के एक्सीडेंट से रिलेटेड बात की है, सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। शादरा के बाद आपको मेरे को मिला है भाई करगिल में, एंड आगे हमने राइड वगैरह का प्लान करके रखा हुआ था भाई, ये सारे भाई देख पा रहे होंगे। बट अभी ना एक प्रॉब्लम हो गई, न्यूज आई है, अभी मेरा फ्रेंड एक था भाई, मेरे को ना फोटोज आई थी, भाई का एक्सीडेंट हो गया, बहुत क्रिटिकल है। सो प्रे करो भाई के लिए यार कि भाई जल्द से जल्द रिकवर हो जाए एंड जल्द से जल्द हमारे ब्लॉग्स में फिर से वापस आए, है ना। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इन्होंने आलम ब्लॉग के बारे में बात किया या किसी और के बारे में बात किया। नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही है लीगल बंजारा की साइड से। लीगल बंजारा को मिल चुका है उनका गोल्डन प्ले बटन, ये आपके सामने दिख रहा होगा। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। आज की अपडेट यहीं तक थी, अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे तो आज को मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, बोलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, फ्री का बटन दिया, लुफ्त उठा उसका। और गाइस यार बाकी आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। सो गाइस हम बताते हैं, हम भाई के कट फैन, दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और गाइस यार हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।